मैं हूँ ना भाजपा में हूँ, तो मैं तो मुझे तो इस देश के लोकतंत्र की जब जीत होगी तो मुझे अच्छा लगेगा। मगर एक बात मैं साफ कर देना चाहता हूँ कि जो उत्तर प्रदेश में बीजेपी की हार के लक्षण दिखाई प्रमोद दे जी रहे आपको हैं थोड़ा सा उसमें रोकेंगे, कोई अनुराग ठाकुर का एक ठाकुर स्टेटमेंट आ रहा है, कुछ कह रहे हैं सरकार ठाकुर का एक बनाएगा, स्टेटमेंट आ रहा है। क्योंकि देश को स्थिर और निरंतर सरकार चाहिए, एक ईमानदार दमदार नेता चाहिए, और आज जो दुनिया की उम्मीदें भारत से हैं उन पे खरा उतरने के लिए ये निरंतरता और स्थिरता बहुत आवश्यक है। और जो देश की अर्थव्यवस्था लगातार आगे बढ़ रही है उसको और गति देने के लिए, विकासात्मक कार्यों को गति देने के लिए इस सरकार का, एनडीए की सरकार का फिर से सत्ता में आना आवश्यक था और जनता ने उसके पक्ष में मतदान किया। कितनी सीट एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? आंकड़े सबके सामने आ रहे हैं और मुझे लगता है जब तक पूरे आंकड़े आएंगे शानदार रिजल्ट एक बार फिर होगा, क्योंकि तीसरी बार सरकार बनाना अपने आप में कई बार चुनौती होता है, लेकिन असंभव को भी संभव करवा करके दिखाएंगे। एक तरफ इंडिया ब्लॉक भी काफी खुश नजर आ रहा है, उनको लग रहा है कि उनकी भी काफी इम्प्रूवमेंट हुई है पहले से और उनकी भी एक मीटिंग होने जा रही है, कैसे देखते हैं? देखिए, जहां एक और भारतीय जनता पार्टी 250 सीटों पार करने दिख रही है, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस अभी 100 सीटों के आसपास भी नहीं दिख रही। अपने आप में काफी गैप है और कुल मिला के जो हमारा एनडीए गठबंधन है उसको भारी बढ़त बाकियों से बनाई हुई और आगे भी बनी रहेगी। प्रमोद जी, हेमंत सर आपसे सवाल पूछना चाह रहे थे। हेमंत सर आप कुछ कह रहे थे? मैं तो प्रमोद जी से पूछना चाह रहा था कि प्रमोद जी चाहते क्या हैं, कांग्रेस को हराना चाहते हैं? मेरे ख्याल से आपकी मंशा ही बातचीत से आपने तो अगर कांग्रेस को हराना चाहते हैं प्रमोद जी तो आपको वापिस जाना पड़ेगा वहां, जब तक आप वहां थे तब तक कांग्रेस हार रही थी। आपके आने हेमंत के जी मुझ पे आप हमला करिए, आप बड़े आप बहुत बड़े पत्रकार हैं। मैं तो कह रहा हूं मैं जहां था मैं तो आज कहीं भी नहीं हूं, तो मेरा तो देश जीतेगा और मैं, मेरा पूरा भरोसा है कि नरेंद्र मोदी की जो लोकप्रियता है उसकी बराबर, नरेंद्र मोदी के बराबर कोई नेता इस देश में छोड़ो दुनिया में नहीं, नहीं है। वो तो लेकिन बीजेपी वो की प्रॉब्लम क्या है, वो ये सोच बैठे थे कि नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनाव लड़ा जा रहा है लेकिन वोट भी मोदी जी आके डलवा दें, तो वोट डलवाने का काम तो भाई बीजेपी के कार्यकर्ताओं का था, बीजेपी के नेताओं का था। मुझे लगता है कि ये चुनाव, और मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, नरेंद्र मोदी वर्सेस ऑल हो रहा था। जब मैं कह रहा हूँ नरेंद्र मोदी वर्सेस ऑल, तो वो विरोधी दल भी हैं, नरेंद्र मोदी वर्सेस ऑल में और भी कोई लोग हैं, और उसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ेगा। जहां तक सवाल है अभी सनातन का सवाल हुआ, मैं कल भी सनातन के साथ था जब मैं कांग्रेस में था, आज भी सनातन के साथ हूं और मैं कल भी सनातन के साथ रहूंगा। अगर सनातन का विरोध कोई करेगा मैं उसका विरोध करूंगा, ये मेरा धर्म बनता है, ये मेरा कर्तव्य बनता है। आचार्य जी, तो क्या आप यूपी में बीजेपी की जो लीडरशिप है उस पर सवाल उठा रहे हैं, उसे कटघरा में खड़ा कर रहे हैं यूपी में खराब परफॉर्मेंस के लिए? भाई मेरी बड़ी दुश्मनियां रही हैं जिंदगी में, लेकिन अब एक नई दुश्मनी क्यों पैदा कराना चाहते हैं आप? शहनवाज हुसैन साहब से पूछ लेते हैं सवाल। शहनवाज हुसैन, आपने इशारों में कह दिया है। नहीं, मेरी बात को सबसे ज्यादा हेमंत जी समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं और मैंने क्या कहा। शहनवाज साहब, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता कम नहीं है, वो उसी तरह की बनी हुई है, उनके नाम पर वोट पड़ रहा है, लेकिन उसके बावजूद उस तरह की बढ़त नहीं है जिसकी उम्मीद की जा रही थी। जो आचार्य प्रमोद कृष्णम जिस तरह इशारा कर रहे हैं कि क्या उस तरह से कार्यकर्ताओं को निकालना, उनसे वोट डलवाना, या स्टेट लीडरशिप की और ज्यादा जिम्मेदारी थी और वो उन्होंने नहीं निभाई, क्या उसकी वजह से नुकसान हो रहा है? प्रधानमंत्री ये पहले प्रधानमंत्री हैं जो तीसरी बार बन रहे हैं, यानी आपके स्क्रीन के हिसाब से कहता हूँ बहुमत प्राप्त 291 अभी आप दिखा रहे हैं, ये बढ़ेगा ही आंकड़ा, तो ये पहली बार हो रहा है कि वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहा है। दूसरी बात ये है कि प्रधानमंत्री से ज़्यादा मेहनत तो हम लोग भी नहीं करते, वो जितनी देखिए 200 रैलियाँ की, 23 रोड शो किया, 83 इंटरव्यू दिया, पूरा दिन रात वो मेहनत करते रहे और वो सब जगह पहुँचे। अब ये सही है कि कोरोना काल में बहुत से सांसद थे जो 3 लाख 4 लाख से जीते और उनको कई बार लग रहा था कि शायद उनकी लोकप्रियता, उनकी शख्सियत होगी जिसकी वजह से वो जीते, लेकिन वो तो जीते थे मोदी जी के नाम पे। और अगर वो कोरोना काल में कम गए होंगे, 2 साल तो गए नहीं, तो एंटी इनकम्बेंसी जो एमपीज़ की थी कई जगह
वो प्रधानमंत्री उसको पाट नहीं पाए होंगे, लेकिन फिर भी जहां भी प्रधानमंत्री गए हैं जो पार्टी का वोट